नीचे आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, हो गया था। गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं तो मेरे देशवासियों को आज की सबकी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, हमारा सिस्टम गवर्नेंस, ये सारा आज ही के दिन इस्टेब्लिश हुआ था और जो डेमोक्रेसी का बेसिस ही यही है। तो मेरी तरफ से आज सारे देशवासियों को और ख़ासकर मेरे यहाँ पे जो पेंशनर्स कुलीग यहाँ पे बैठे हैं उन सबको इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से आपके लिहाज से कितनी तैयारी है, किस तरह से चुनाव जो सफल कराने की प्रक्रिया रहेगी इस बार? देखिए, आज का दिन तो 26 जनवरी के नाम रहने दीजिए और बाकी भी ये लोगों के मन में एक सवाल है कि देखिए लोकसभा का तो बिगुल बज रहा है और पूरा भारत जो है उसी तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ चुनावों के लिए कुछ है खास या नहीं इस बार? विधानसभा के चुनाव या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, DDC, तो इस आगे चुनाव जो है स्थगित होते रहे हैं, तो अब आगे क्या? नहीं देखिए, कल जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि कुछ इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स थी जो पार्लियामेंट ने क्लियर कर दी है, OBCs का रिजर्वेशन है, उसके अब बाद भी कुछ लीगल प्रोसेसेस रहते हैं, उसमें जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कुछ स्टेप्स लेने हैं और पार्लियामेंट में अप्रूवल है, उसके बाद ये यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और पंचायती राज जो पंचायतों के चुनाव होंगे उसमें थोड़ा प्रोसेस जैसे पूरे होते हैं उसमें हो जाएंगे। बट एक डेडलाइन है सितंबर तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन इस बार दी, उससे पहले हो जाएंगे या उसको भी डिले किया जाएगा? देखिए, वो सितंबर डेडलाइन जो है वो असेंबली के लिए है, असेंबली इलेक्शंस के लिए है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो इसमें अर्बन लोकल बॉडीज भी हैं और हमारी पंचायतें हैं उसके लिए अलग से प्रोसेसेस हैं, वो चल रहे हैं, उनके मुकम्मल होने पे ये हो जाएंगे। लेकिन डेडलाइन की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली विधानसभा, सितंबर के बाद का तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना आम लोगों को या फिर विपक्ष के नेताओं को? ये इलेक्शन कमीशन और ये फैसला लेगी, बिकॉज ये गाइडलाइन जो उनके है ये उनके लिए है।